कैंडिडेट्स का लिस्ट है जो बाकी रह गए अभी, 3 नंबर और 6 नंबर, बस दो ही हैं, बता दीजिए इसमें से। सिक्स सिक्स। श्वेता जी आ जाइए। क्वेश्चंस मतलब टॉपिक जो भी कह सकते हैं, इसमें से आप सिलेक्ट करिए। सिक्स सिक्स ठीक है। आपके लिए जो टॉपिक आया है वो एडवांस टैक्स मीनिंग एंड इंस्टॉलमेंट आया है, ठीक है, तैयार है? सुनिए टॉपिक यह है कि सुशील बताएं कि एडवांस टैक्स की लाइबिलिटी किन के ऊपर आता है, यानी कौन से ऐसे कंडीशन है या क्या कंडीशन है जिसके थ्रू एडवांस टैक्स मुझे जमा करना पड़ेगा। सर, इफ एक्सपेक्टेड इनकम आफ्टर टीडीएस एक्सिस और इक्वल 10,000, देन एडवांस टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज मतलब बिल्कुल रेज। मैं हिंदी बता देता हूँ। आपने बोला कि इफ एनी इनकम एक्सीड्स ₹10,000, करेक्ट? आप अगर मेरी बातों को काटना, अगर गलत हो या सही हो तो। आपने बोला जैसा कि इफ एनी इनकम एक्सीड ₹10,000 और इक्वल टू 10,000, देन एडवांस टैक्स लायबिलिटी विल रेज। क्या ऑडियंस सही है? नहीं, तो इन्होंने कहां पर मिस किया? इनकम बोलना था, उसको टैक्स में कन्वर्ट करना चाहिए, मतलब इनकम नहीं ना, इनकम नहीं ना, इनकम टैक्स, समझ रहे? तो ये कॉन्फिडेंस मतलब जानकारी थी या ऐसा कुछ इंग्लिश हिंदी के चक्कर हो गया, ऐसा कुछ नहीं ना हो गया। तो पहली बात समझिए कि इंटरव्यू में कैसा जाना चाहिए। अगर आपको जिस लैंग्वेज पर पूरी कमांड है आप बेहिचक वो यूज करो। कंटेंट उनको चाहिए है ना, फिलहाल पहली जॉब के लिए कंटेंट चाहिए होता है ना, कि सही तरीके से हो जाए, बाकी तो हो जाएगा, एमएनसी जाएंगे तो हम लोग ठीक हो जाएगा फिलहाल के लिए। तो फिर से स्टार्ट करें, जो कॉन्फिडेंस आपको हिंदी इंग्लिश में फर्क नहीं पड़ता है आप उसको लेकिन जवाब बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए अगर जानकारी है तो। हाँ हाँ दोबारा बोल सकते हैं। जब हमारी इनकम जो है 10,000 तक या 10,000 से फिर ज्यादा, आपने रॉन्ग किया, इनकम टैक्स जो है आप इनकम टैक्स, हाँ 10,000 तक या 10,000 से ज्यादा हो जाते हैं, तो एडवांस टैक्स लायबिलिटी जो होती है वो रेज हो जाती है। यानी आपने बोला कि अगर इनकम टैक्स 10,000 या उससे ज्यादा एक साल का एक्सीड हो जाता है, मतलब ये बराबर हो, तो एडवांस टैक्स रेज हो जाता है, ठीक है। इसका क्या मतलब, रेज हो गया मतलब एडवांस कब देना पड़ेगा? सर इसमें मतलब डेट्स बनी हुई है तो ये असेसमेंट ईयर में देना पड़ता है एडवांस टैक्स या फाइनेंशियल ईयर में? असेसमेंट ईयर में, असेसमेंट ईयर में नहीं एडवांस टैक्स फाइनेंशियल ईयर में ही देना पड़ता है, जिसमें हम अर्न जिसमें कर, हम अर्न कर अच्छा रहे हैं जिसमें अर्न उसी में करते ही देना तो वो पड़ेगा। तो कहलाता है फाइनेंशियल ईयर, हाँ ठीक है। जिस साल आपने अर्न किया उसी साल आपको पे करना है, ठीक है। इकट्ठा पे करना या इंस्टॉलमेंट में कुछ ऐसा बनाओ, इंस्टॉलमेंट्स बनी, क्या जैसे इंस्टॉलमेंट बनेगी? फर्स्ट जो है वो 15,600 है, सेकंड 15,900, 15,12, 15,300, और पहले 15 लगेगा, मतलब 15 है इंस्टॉलमेंट्स 15 क्या परसेंटेज? परसेंटेज, अच्छा ठीक है। उसके बाद है 25, 30, 30। 15%, फिर 25%, हाँ फिर 30%, तो क्या पूरा 100 हो गया? 25, 30, 30, 15, 30, 30, 25। अच्छा 15%, 30%, 30% और 25, 25%, तो हो गया ना पूरा 30, 30, 60, हाँ 100 हो गया, 100। ओके ठीक है, यानी 15, 30। तो और डेट क्या बताया आपने इधर से? 15,600, 15,900, 15,12, 15,300। अच्छा 15, 6, यानी 3-3 महीना आप ऐड कर दो। तो सो सिंपल है क्वार्टर ये 15, 6, 15%, 15, 9, 30%, फिर 15, 9, 15, 12 हो गया 30%, फिर 15, मार्च 100% तक दे सकते हैं, यानी 25% पर सकते हैं और मेंटेन कर भी सकते, ठीक है। डन, थोड़ा सा लड़खड़ाया कंटेंट्स में कि तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कोई कमी ऐसा लग रहा है कि वहां से यहाँ आने में ऐसे भी लग रहा था कि नहीं ना, मतलब तो कंटेंट्स को ऊपर पकड़ करें, चलिए अच्छा है। आप मुझे बताइए, एक ही तो ऐसा तनु ही बची है, कोई अच्छा एक ही बचे हुए हैं, ओ तो बस तनु आ जाओ। रेडी है ना? आइए, आपको जो क्वेश्चंस मतलब वही टॉपिक आपको लेना है वो इसमें से, नीचे भी है बहुत सारे हैं, 37 तक है। हाँ नंबर 2 ठीक है। ATG, ATGG किस चैप्टर का है पता है? रिडक्शन का है, सर डिडक्शन का है, करेक्ट। तो फिर तो पकड़ लोगे आप, ATG, ATGG डिडक्शन का है। डिडक्शन का क्या मतलब होता है पहले बताइए आप।
डिडक्शन में ये होता है कि हमारी जो इनकम बनती है टोटल उसमें से हम अपना कुछ माइनस कर सकते हैं जिससे आपको टैक्स कम लगेगा। करेक्ट। तो 80G और 80GG इन दोनों सेक्शन में क्या कहता है? ये दोनों सेक्शन किस लिए बना हुआ? 80G डोनेशन के लिए, यानी जब डोनेट करते हैं तब जाकर डिडक्शन मिलता है मुझे। और 80GG वो क्लास में भी ऐसे होता था ना, 80 है ना, 80GG क्या होता है? 80GG याद करो, कुछ याद करो, क्लू दे हल्का सा, ऐसा क्लूज पकड़ लेंगे हम। कुछ रेंट के लिए बना हुआ शायद, कुछ ऐसा रेंट के लिए बना हुआ, नहीं कोई पकड़ में है? 18E से और एक्सटूड 18 नहीं 80 80GG पूछा मैंने। हाँ डबल जी, उसमें हमें इंटरेस्ट, जो हमें इंटरेस्ट पहले डिडक्ट होता था हाउस प्रॉपर्टी में, एक्स्ट्रा होता है सर, मैंने किसे बनाई है 18E में। याद है आपको? चलिए तो एक्सप्लेन करने दीजिए उनको जरा। 80GG सर, 80GG है ये, इसमें डिडक्शन मिलती है कि जब हम हाउस रेंट पे करते हैं, अगर हमें अचारे मिल रहा है तो ये नहीं होगा मिलेगा, अगर अगर अचारे नहीं मिल रहा है तो जितना हम रेंट पे कर रहे हैं या फिर 5000 व्हिच एवर इज लोअर वो हमें वो मिलेंगे डिडक्शन। अच्छा मतलब कोई, आपने बोला कि कोई अगर एम्प्लॉई है और उसे एचआरए नहीं मिलता है ना, नहीं मिलता है और रेंट पेड करता है रहने के लिए, है तो नहीं तो एचआरए नहीं मिलेगा, सेल्फ एम्प्लॉयड थोड़ी मिलता है एचआरए। मान लीजिए मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ तो मुझे एचआरए काम, एचआरए तो उन्हीं को मिलना ना मिलना होगा ना जो कंपनी में जॉब करता है। तो कंपनी में अगर जॉब करते हैं तो हो सकता है कि पैकेज में एचआरए ना मिले, लेकिन किराए पे रहता है वो, तो उस किराए के लिए मिलेगा जितना किराया पे करता है, और ₹5000 पर मंथ विच आर द लो डिडक्शन मिलेंगे 80GG में। और अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है तब क्या होगा? सेम कहानी की, सेल्फ एम्प्लॉयड में तो एचआरए का तो कहानी खत्म कर देते हैं। तो सेल्फ एम्प्लॉयड है और किराया लेकर रहते हैं कहीं, तो जो किराया पे कर रहे हैं और 5000 पर मंथ विच आर द लोअर, वो डिडक्शन देंगे। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं ना? ठीक है, चलिए और तो कोई है नहीं यहाँ पर? ठीक है, डन।